आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इसमें से हमें बताने कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ देयर वर ऑन फ्रिक्शन वर्क नीडेड टू बी डन टू मूव अ बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन विल बी जीरो। सो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन है तो इसमें कह रहा है कि वर्क करना पड़ेगा हमें अगर कोई भी बॉडी को मूव करने में, अगर इंक्लाइन प्लेन है तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्लॉक है उसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड इसकी इधर वर्क करेगा, जिसे एफ सी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो इस तरफ हो रहा है और फ्रिक्शन है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क डन तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, लेकिन जो क्या हो रहा है इस इंक्लाइन प्लेन की तरफ हो रहा है, और यहाँ क्या है उसी इंक्लाइन प्लेन के जस्ट अपोजिट में एंटी पैरेलल में क्या हो रहा है एफ सी लग रहा है। तो ये जो वर्क डन करेगा वो फ्रिक्शन भी कुछ करेगा जो कि जीरो नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ भी फोर्स लगाए इसमें भी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ़ देयर वर ऑन फ्रिक्शन वर्क नीडेड टू बी डन ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन द मूविंग व्हीकल कुड नॉट बी स्टॉप इवन बाई लॉकिंग द ब्रेक। तो अगर हम देखते कि अगर कोई भी व्हीकल है, अगर मान लेते इसे ही देख लेते हैं, तो अगर हम देखें अगर इसे हम इंक्लाइन प्लेन की जगह अगर हम क्या है अगर यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे व्हीकल है कोई, तो यहाँ पे अगर हम व्हीकल ले कोई भी नॉर्मल सा, तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे कोई ब्लॉक है व्हीकल, अगर ये गाड़ी है समझ लेते हैं, तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये वी वेलोसिटी से चल रही है और इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर ये गाड़ी अगर देखते हैं कि वी वेलोसिटी से चलेगी, तो अगर हम इस गाड़ी को अगर टायर को अगर हम रोक भी दें तो क्या होगा, ये वी वेलोसिटी से चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा इस पर कुछ अपोजिंग फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे अब्सेंट है। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो अगर हम ब्रेक भी मारेंगे तब भी अगर रोड और ये जो टायर है उसके बीच में अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें तो एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इंक्रीजेज। सो अगर हम इस पर कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी पे होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमने इसे क्या किया, इसे अगर हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना बढ़ा दिया कि ये डायरेक्ट ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो नॉर्मल होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं तो ये अगर हम जीरो डिग्री पे था और अगर हम 90 पे बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमारा ये आंसर क्या, ये क्या है मतलब ये गलत है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हमारा आंसर भी सही हो गया। अगर हम चौथे की बात करें तो एक डस्टर है, डस्टर वेइंग 0.5 न्यूटन इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल बोर्ड विथ अ फोर्स ऑफ 11 न्यूटन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द वर्क डन इन रबिंग इट अपवर्ड्स थ्रू द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इज 0.55 जूल। तो एक डस्टर है जो कि क्या है, जिसका वेट जो है 0.5 न्यूटन है और उसे प्रेस किया जा रहा है एक वर्टिकल बोर्ड पे, और कितना फोर्स है वो 11 न्यूटन है, जो कि क्या कर रहा है उसे, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है 0.5 है। तो वर्क डन जो हमें इसमें दिया हुआ है कि वर्क डन अगर हम रब करते हैं उस वाइट बोर्ड को, तो ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस कवर करा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें वर्क डन जो निकला है वो क्या है 0.55 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम से समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये ग्रीन जो है वो क्या है डस्टर है, उस पर 11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और जो वेट है उसकी क्या है वो डाउनवर्ड की तरफ है जो कि 0.5 न्यूटन दिया है, और जो म्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0. म्यू दिया है वो कितना दिया 0.5, तो ये 0.5 हो गया। और वर्क डन हमें बताना है 10 सेंटीमीटर में अगर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्क डन होगा अगर हम रब करते ऊपर की तरफ तो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो ऊपर की तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अगर हम इधर ये क्या है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर जो जो भी अगर कोई भी पर्सन उसे अपवर्ड की तरफ
क्या कर रहा है, नॉर्मल क्या कर रहा है, उसे प्रेस करके फोर्स लगा रहा है, उसे ऊपर की तरफ कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, यहाँ 0.55 जूल लिया है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट आंसर, जो कि सही है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो हमारे तीन ऑप्शंस जो कि गलत हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो ये हमारे तीन आंसर हो गए ए सी डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।